वैसे लाइव शो करती हूँ, बहुत सारे जो मेरे ऑडियंस हैं वो तो लाइव ही मुझे ज़्यादा देखते हैं, और कुछ पिक्चरों में मैंने गाया है, और ऐसे पिछले साल भी इस अवार्ड में कुलदीप जी ने बुलाया था। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऑडियंस जो सामने से भी मुझे प्यार मिलता है, लेकिन तमाम जो मेरे और भी दर्शकगण हैं जो मुझे और भी देखना चाहते हैं, और मैं थोड़ा दूरी में हूँ अभी तक, उनसे भी मैं रूबरू ज़रूर होना चाहूँगी आपके वजह से। और आज तो ये बात सत्य है कि बिना मीडिया, बिना आपके सहयोग का शायद कोई कलाकार कहीं तक, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है। तो एक लाइव शो करना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो तुरंत हमारे जो ऑडियंस जो हमारे अपने हैं उनका प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और उनके मूड को जानने का भी एक तजुर्बा होता है। तो लगातार 21 सालों से मुझे वो तजुर्बा, यहाँ से लेके मैं मॉरिशस गई और आप सबों के आशीर्वाद से वहाँ राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित राष्ट्रपति जी ने किया। तो ये भोजपुरी के लिए, जबकि मैं क्लासिकल से पीएचडी हूँ और शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा मेरे गुरुदेव बनारस घराने के मार्कंडे मिश्रा जी और उस्ताद राम सिंह जी जो किराने घराने से आते हैं, जो लता मंगेशकर जी के गुरु भाई हुआ करते थे, अब नहीं रहे वो हमारे बीच। तो उन लोगों से सीखते हुए एक दौर मैंने सीखा कि जो फोक है हमारा, भोजपुरी है जे हमने के माटी के सुगंध जे सोंधी बा, ओकर जे मिठास बा वो कहीं नहीं खे। ऐसे संगीत के कहल जाला कि लोकगीत से ही संगीत के उत्पत्ति भइल, और तमाम जे संगीत बाद में विद्वता जुड़ल, क्लासिकल सुगम संगीत, वो तमाम चीज़ हमारे फोक से आई। तो हम यहीं से ओकरा के चुननी, और तमाम जगह जैसे मस्कट हो इन्हें अपने सवन के आशीर्वाद से, हाँ थोड़ा सा जहाँ पे हो ही ले लाइव शो करी ले वहाँ मीडिया लोग से बहुत प्यार मिलेला, सब लोग वो माध्यम से देखावेला, हम रूबरू भी होखी ले, लेकिन पिक्चरों में थोड़ा कम, बीच के दौर में से थोड़ा सा हम कम रहने, बहुत कम आई, 5-6 ही आप आई जनों में हमारे गाना बा, 2-3 गो में हम एक एक्ट भी के लिए बने, एक्टिंग भी के लिए बने। तो अब फिर से आगे लौनी, चूँकि संगीत नाटक अकादमी के बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमरा के भारत सरकार देने वाला है, और भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय में एक संगीत नाटक अकादमी के मेंबर अभी बानी, बिहार संगीत नाटक अकादमी के एक्सिक्यूटिव और सम्मान परिषद के मेंबर बानी। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारी ऐसा बा कि अपन जे मिट्टी बा, जे क्षेत्रीय बोली बा, जे भोजपुरी के सोंधी चीज़ बा, ओकरा के पूरे दुनिया तक पहुँचावे के जिम्मेदारी मिलल बा। बिहार जहो हाम जनीति भवानी आई है अंगना, रुनु रे झुनु ना बजबती बरहो बजना, रुनु रे झुनु ना बजबती बजे।